और अब बात हिजाब विवाद की। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब बयान व्यूरो की वजह से लगातार गर्म होता जा रहा है और इस विवाद में इत्तेहादी मिल्लते काउंसिल अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा भी कूद गए हैं और उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। तौकीर रजा ने कहा है कि जीन्स पहनने वाली लड़कियों को कोई अच्छी नजर से नहीं देखता है। ये है मौलाना तौकीर रजा। वैसे तो इनकी विवादित बयान आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर ये अपने हाल में दिए गए बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। हिजाब के विवाद पर बोलते बोलते तौकीर रजा ने महिलाओं को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया कि उस पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। तौकीर रजा ने कहा है कि जीन्स पहनने वाली लड़कियों को कोई अच्छी नजर से नहीं देखता। बेटी अगर बुरके में है तो इन लोगों को बुरके से परेशानी नहीं है, इन लोगों को हमारी बच्ची को ठीक तरह देख नहीं पा रहे हैं, उसको निहार नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि जींस पहन के वो जाए सड़कों पर, और जिस तरह मैं आपसे पूछता हूँ कि सड़क पर जो लड़की अर्धनग्न कपड़े पहन के निकलती है, क्या उसको उसमें जो नजरें पड़ती हैं, क्या वो लोग उसको बहन या बेटी की निगाह से देखते हैं? मौलाना तौकीर रजा यहीं पर नहीं रुके, वे बीजेपी को कोसते हुए गॉडसे और गांधी पर भी आ गए। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, आप अपने बच्चों को गॉडसे बनाना चाहते हैं या गांधीवादी तरीके पर चलाना चाहते हैं, शांति और अमन चाहते हो या दंगा और फसाद चाहते हो? तौकीर रजा ने कहा कि कुछ लोगों को हिजाब से अगर दिक्कत है तो घूंघट से क्यों नहीं है। पर्दा हया का प्रतीक है, बेशर्मी बेहयाई से बचाता है। पर्दा लोगों की बदनिगाही से हमारी बच्ची को बचाता है। तो हिंदू समाज में भी पर्दे की अहमियत है। पर्दे को मैं पूरा राजस्थान में तो औरतों को ख़वातीन को देखता हूँ, वो तो घूंघट में ही रहती हैं, बाहर निकलती हैं तो घूंघट में रहती, क्यों उनके घूंघट पे कभी क्यों ऐतराज़ नहीं करते हो, उनके खिलाफ क्यों आवाज़ नहीं उठाते हो? तौकीर रजा इससे पहले भी अपने बाटला हाउस एनकाउंटर पर दिए गए बयान को लेकर चर्चा में रहे थे और अब एक बार फिर उनके बयान चुनावी मौसम में यूपी की सियासत को गर्म कर सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट। और खबर उन्नाव से, जहां पर बीती पर 11 फरवरी को दलित युवती का शव पूर्व एसपी नेता के बेटे के आश्रम के पास खेत में मिलने के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं अब निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा ने पीड़ित के परिवार से मुलाकात की है और इस दौरान सीमा कुशवाहा भावुक हो गई और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही पीड़ित परिवार को निजी खर्च पर मुकदमा लड़ने का आश्वासन भी दिया है। हमारा जैसे मैं और बेटियों के लिए लड़ती हूँ, इस बिटिया की माँ को हमने चीखते देखा, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। इनको मैं पूरा सपोर्ट करूँगी, लीगल इनकी हेल्प करूँगी, क्योंकि जितना मेरे हाथ में है मैं एक एडवोकेट हूँ, इनकी बिटिया को न्याय दिलाने की कोशिश करूँगी। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से इन्होंने इस बिटिया के साथ अत्याचार करके उसको दफना दिया, मर्डर करके, इन लोगों को भी मैं हैंग कराऊँगी। और प्रयागराज के संगम पर इन दिनों बड़ी संख्या में साइबेरियन बर्ड पहुंच रही हैं, जिन्हें देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ जुट रही है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं, जहां सात समंदर पार कर आई साइबेरियन बर्ड्स लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। माघ मेले की वजह से यहां श्रद्धालुओं की भीड़ तो जुटती ही है, साथ ही यहां बड़ी संख्या में साइबेरियन बर्ड्स भी आ रही हैं। प्रयागराज आने वाले पर्यटक नाव की सैर करने के साथ ही इन पक्षियों को खाना भी देते नजर आते हैं। यहां पर सबसे अच्छा मुझे खूबसूरत लगा जो साइबेरियन पक्षी हैं, जो खूबसूरती को चांद चांद बढ़ा रहे हैं संगम का, और इनको दाना उना हमने खिलाया, काफी अच्छा और बहुत बेहतरीन यहाँ पर जो है लग रहा है। इन विदेशी पक्षियों से मिलने के लिए हर रोज हजारों लोग संगम तट पर आ रही हैं। ये साइबेरियन पक्षी कई दिनों तक इस संगम तट पर इसी तरह दिखाई देंगे। मार्च के बाद गर्मी की शुरुआत होते ही ये मेहमान अलविदा कहकर यहाँ से विदा ले लेंगे। इन पक्षियों को देखकर बाहर से आने वाले सैलानियों की खुशी भी दोगुनी हो जाती है।